Assalamu alaikum listeners, I'm Ali here again with you with the program Astrology and Zodiac Signs. Jaisa ki aapse promise kiya gaya tha ki aapse aapke sath tamam zodiac signs discuss kiye jayenge. So aaj jo pehle char zodiac signs mein discuss karunga unme Aries, Taurus, Gemini and Cancer hai. Jaise ki jo log mere program sun rahe honge unko pata tha ki last time maine discuss kiya tha ki jo pehla spring ka pehla din hota hai wo Aries wahan se start hota hai. So jo Aries ki jo starting date hai that is 21st March to 20th of April. उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स होता है. अच्छा, एरीज जो लोग होते हैं वो ज्यादातर एडवेंचरस होते हैं. उनको कुछ भी नया करने का बहुत शौक होता है. उनमें एक डिफरेंट टाइप एनर्जी होती है जो कि वो अपने रूलिंग प्लैनेट से लेते हैं, क्योंकि असल में वो स्प्रिंग का फर्स्ट डे है तो वो एरीज नो दे आर क्वाइट लाइवली, सो दे वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. अच्छा, बहुत वो एंथुसियास्टिक होते हैं हर चीज के बारे में. कोई घर में कोई नई चीज आएगी तो वो देखेंगे कि ये क्या है. इवन कोई एरीज बच्चा भी होगा तो उसको वो छेड़छाड़ करने की बहुत आदत होती है. अच्छा, वो एरीज जो है यूजली वो लीडर्स होते हैं बहुत सी जगह पे. एरीज और कैप्रिकॉन, एरीज में कॉन्फिडेंस होता है जो कि बिल्डअप होता है जो कि उनका रूलिंग प्लैनेट उनको देता है. एरीज इन बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं जो असल में जो ट्रू जोडिक साइन जिसकी ट्रेट्स ये फॉलो होती हैं. जैसे 30 डेज में क्वार्टर डिवाइड होता है तो जो बीच के 10 डेज होते हैं उनमें जो ये कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स बैठती हैं. अच्छा, एरीज की जो बैड पॉइंट्स हैं विद नो ऑफेंस लिसनर्स, वो थोड़े सेल्फिश होते हैं इन अ सेंस कि वो अपनी अपने आप को सबसे पहले रखते हैं और बाकियों को बाद में. गुस्सों को बहुत जल्दी चढ़ता है, थोड़े रेस्टलेस होते हैं, उनको कोई भी काम करने की बहुत जल्दी होती है, ये हो जाए वो हो जाए ना. अच्छा, और मसला ये है कि उनको बेवकूफ बड़ी जल्दी बनाया जा सकता है. बहुत से लोग असल में जो जब एरीज ट्रस्ट किसी पे कर लेते हैं देन उनको बेवकूफ बहुत जल्दी बनाया जा सकता है. एरीज को जो चीजें पसंद है उनको कोई भी काम करना पसंद है. मतलब वो कहते हैं कि हम फोर फ्रंट हो किसी भी चीज में. मतलब अगर क्लास में भी कोई एरीज है तो वो कहेगा कि मे बी शायद दूसरे का पत्ता काट ले, यू नो, आप प्लीज अपने एरीज दोस्तों से इस लिहाज से थोड़ा होशियार रहे कि वो आपको कोई भी असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट कर रहे तो वो ट्राई करेगा कि यू नो वो सबसे आगे हो, उसका नाम सबसे आगे हो. और उनमें स्पॉन्टेनिटी होती है एरीज में. एरीज को जो सबसे बात बुरी लगती है वो किसी के लिए वेट करना लगता है, किसी भी चीज के लिए. अगर वो अपने कैरियर किसी अपॉर्चुनिटी के वेट कर रहे हैं तो उनको वेट करना बहुत बुरा लगता है. तो इसलिए वो हर चीज, क्योंकि उनमें एक एनर्जी होती है, एक एंथुसियाज्म होता है, तो वो हर चीज करने की कुछ नहीं करने की ट्राई करते हैं तो उनको वेट करना बुरा लगता है. एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है. जो कलर एरीज को सूट करता है वो रेड है और जो स्टार स्टोन जो एरीज को स्टार क्लस्टर स्टोन जो सूट करता है वो डायमंड है. इन तमाम बातों पे जो तमाम एरीज लोग हैं जिन्होंने सुना होगा, और एरीज को जो उनका एक जो जानवर सा बना होता है कभी आपने स्टार्स में देखा होगा उनको रैम कहा जाता है, वो उनको शो करता है क्योंकि वो जो रैम है वो तेज भागता है. एरीज के साथ ये अच्छा पॉइंट भी है और बुरा पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज की थोड़ी जल्दी होती है और विद देयर क्वाइट लविंग, सो वो चाहते हैं कि हर चीज थोड़ी जल्दी हो जाए. तो उनको मेरी जो राय है कि वो थोड़ी सी जो पॉसिबल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं एरीज को, वो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि उनका प्लैनेट ऐसा है जो पहला प्लैनेट है और पहला क्वार्टर है एरीज का, तो उनको ज्यादातर सनस्ट्रोक हो सकता है, मीग्रेन हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं. जो मेन प्रॉब्लम एरीज को फेस करने पड़ते हैं वो ये हैं. ज्यादातर ये होता है कि एरीज थोड़े थोड़े इमोशनल होते हैं तो उनको ये होता है कि कई दफा इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत होते हैं. अच्छा, आई पास ऑन टू द नेक्स्ट स्टार जो कि टॉरस है. उनको द बुल भी कहा जाता है. वो स्टार्ट होता है अप्रैल 21st से लेकर मई 21st तक. जो टॉरस की ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो रिलायबल होते हैं. टॉरस पे किसी भी आप टॉरस पे रिलायबिलिटी का शक नहीं कर सकते, कोई भी टॉरस रिलायबल हो सकता है. ये होता है कि टॉरस एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन दे आर लविंग, दे आर वार्म हार्टेड, दे आर डिटरमिन्ड. और असल में अगर अब नो आपका कोई स्पाउस या आपका कोई वाइफ या हस्बैंड एनीवन यू नो आपका कोई टॉरस है तो वो कम से कम आपके साथ बहुत लविंग और इन अ सेंस कि वो ट्रस्टवर्दी होते हैं. टॉरस की क्वालिटी जो बुरी है दे आर पोजेसिव फॉर देयर थिंग्स. मतलब इवन कि अगर उनकी आपका कोई भाई टॉरस है या बहन टॉरस है उसकी कोई चीज आप छेड़ दें, कोई पेन या कोई बुक या कुछ भी, तो वो पोजेसिव होगा कि मेरी चीज क्यों छेड़ी. तो ये चीज नहीं करनी चाहिए ताकि वो से इरिटेट नहीं हो. टॉरस इनफ्लेक्सिबल होते हैं. जो चीज वो ठीक समझते हैं वो कहते हैं बस ये ठीक है. वो अपना माइंड चेंज नहीं करते किसी भी बारे में. एक लिहाज से टॉरस ग्रीडी होते हैं, थोड़े लालची होते हैं. वो उस तरफ जाते हैं जो चीज उनको ज्यादा पसंद आती है या वो आउटकम ज्यादा दे रही होती है, इसलिए थोड़े वो सेल्फिश होते हैं. इस लिहाज से जो पॉसिबल हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं टॉरस को वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे एस्थमा. सो टॉरस की जो इनबिल्ट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें उनको प्लैनेट इनको रूल करता है तो उनमें उनको एस्थमा हो सकता है. तो ज्यादातर टॉरस को अवॉइड करना चाहिए स्प्रिंग सीजन में बाहर निकलने से, क्योंकि जो टॉरस का क्वार्टर है ये स्प्रिंग सीजन वाला क्वार्टर है. तो इसलिए इनको एस्थमा हो सकता है. इनको कुछ टॉरियंस ओवरवेट हो सकते हैं. लाइक्स उनकी होती है कि उनको पसंद होता है कि वो लोग उनको एडमायर करें. उसके बाद उनको अपना टाइम वेस्ट करना नो इधर उधर नो दिस रियली लाइक टू मतलब हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स और ऐसे से.
उनको जैसे कि टॉलरेंस को कंफर्ट और प्लेजर बहुत चाहिए होता है. जैसे कि अगर 8 बजे उनका एक दोस्त यूनिवर्सिटी जा रहा है, आई नो माई फ्रेंड, तो 8 बजे नहीं उठेंगे, 10 बजे उठ के 10 बजे क्लास है, 10 बजे जाएंगे और अपने 100 रुपए टैक्सी का भी वेस्ट करेंगे. सो दे लाइक, दे प्रेफर नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, दे लाइक कंफर्ट एंड प्लेजर. डिसलाइक्स उनकी जो होती हैं, उनको किसी भी काम के लिए कहा जाए कि आप ये कर लें या वो कर लें बार बार, उनको ये पसंद नहीं है. और उनको डिस्ट्रप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी चीज के. और उनको घर में रहना भी पसंद नहीं है, बीइंग इंडोर्स, यू नो दे डोंट लाइक बीइंग इंडोर्स. अच्छा, प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर टॉलरेंस फेस करते हैं वो है कि अनएक्सप्लेन्ड फियर ऑफ लॉस एंड जेलसी. मतलब कि उनको किसी भी, मतलब अगर कोई दो टॉलरेंस हैं और एक क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको ना कि वो अपना काम देखेगा, वो दूसरे का नोट करना शुरू कर देगा कि उसने ऐसा किया तो क्या मैंने भी ऐसा किया. तो उनको कहीं कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो जेलसी का फेस करते हैं. जो रूलिंग प्लैनेट होता है टॉरस का, वो वीनस होता है. कलर जो टॉरस को सूट करता है वो पिंक है. और स्टार सोन जो टॉरस को सूट करता है वो एमरल्ड है. नेक्स्ट स्टार पे जो आई पास ऑन, दैट इज जेमिनी. जेमिनी को द ट्विंस भी कहा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टार है. इस लिहाज से कि जेमिनी कैन बी वेरी गुड एट वन एंड बट कैन बी वेरी बैड एट द अदर एंड. That's why they are called twins. जैसे कि इसकी जो diagrammatical explanation है Gemini की, उसमें भी दो twins show किए गए हैं. जो Gemini है वो May 22nd से June 21st तक होता है. जो उनकी main traits हैं वो adaptable होते हैं. Gemini one of the most adaptable stars. मतलब कि जैसे कि China में और India में जैसे कि stars देखा जाता है, तो Gemini's को try किया जाता है कि कहीं भी अडेप्टेबल हो सकते हैं, वो किसी के लिए भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं. मैं एक दो जेमिनाइज को खुद पर्सनली जानता हूँ, जिन जो कि बड़े रूड और श्रूड लगते हैं शुरू में, बट बाद में वो आपके लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बहुत सी चीजों में. जेमिनाइज टू अ एक्सटेंट दे आर एक्सट्रोवर्ट, बट विद दोस पीपल जिनके साथ उनकी गपशप है. वरना वो लोगों को, वो कहते हैं ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, उनको अपनी जिंदगी जीते हैं. जेमिनाइज को अपनी जिंदगी जीने का बहुत शौक होता है. और जो बैड पॉइंट्स हैं जेमिनाइज के, उनका अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है. वो बहुत नर्वस होते हैं, बहुत टेंस हो जाते हैं. अगर कुछ लोगों के सामने उनको प्रेजेंटेशन देनी पड़े, दे'ल बी नर्वस, देयर पाम्स विल बी स्वेटी, और उनको स्टेज फ्राइट बहुत होता है, इसलिए कि वो नर्वस होते हैं. उनको सेल्फ बिलीव बहुत कम होता है. और जेमिनाइज से थोड़ा बचना चाहिए, थोड़े से चलाक भी होते हैं, तो आपको कहीं यूज भी कर सकते हैं. अच्छा, जेमिनाइज के लिए जो हेल्थ कंसर्न्स मेन है वो सारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है. मतलब उनको गर्दन तोड़ बुखार वगैरह नो जो बहुत प्रॉब्लम है, एंड ब्रोंकाइटिस जो कि एक एस्थमा की तरह की डिजीज है, वो भी उनको प्रॉब्लम कर सकती है. जेमिनाइज को बातें करना बहुत अच्छा लगता है. उनको एक वक्त में मल्टीपल काम करना बहुत अच्छा लगता है. और रीडिंग एंड राइटिंग दे लव. बुरा उनको क्या लगता है, नो इवन लर्निंग एट स्कूल, क्योंकि उनको एक कुछ इंट्यूटिवनेस नहीं होती. तो सबसे बुरा जो जेमिनाइज को लगता है कि कोई उनको एडवाइस करे, कोई इनसे फजूल के काम करवाए, ये कर दो वो कर दो, नो दे डोंट लाइक नो डिक्टेशन. प्रॉब्लम जो फेस करता है जेमिनी इज बीइंग सुपरफिशियल, यू नो कुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू इन योर ओवरऑल रिलेशनशिप्स. मतलब जो असल में जो वो खुद होते हैं वो कई दफा अपने आपको शो नहीं करते. दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड ड्यूअल पर्सनालिटी. सो उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी आर्टिफिशियल नेचर को थोड़ा कम करें और अपनी वो चीज शो करें जो वो वाकई में है. मर्करी क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट है और जेमिनी का जो फेवरेट कलर है दैट इज ग्रीन, और उनको जो सूट भी करते हैं. एंड स्टार स्टोन उनका जो है वो मॉस अगेट है. I'll move on to the next star, जो कि मेरा last star है, then I'll conclude my program. That is Crab, known as Cancer, जो कि June 22nd से July 22nd तक continue करता है. जो Cancerians हैं, they are very loving and emotional. You will be very lucky to find a Cancerian partner. जो जिन लोगों की priority monetary terms नहीं है और जिन लोगों की priority internal terms है, जैसे कि emotional हो गए, loving in some sense, caring हो गए. जो ये Crab है, जो कि ये Cancerians हैं, ये ज्यादातर intuitive होते हैं. ये अपनी ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं. इमेजिनेटिव होते हैं, दे लिव इन द ड्रीम वर्ल्ड. अपने इनके ड्रीम्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है. समटाइम्स दे बिल्ड कैसल इन द एयर. और दूसरों से बड़ी सिंपथी शो करते हैं. मे बी कोई, अगर मैं जो बाकी बात की है टॉरेंस जैसे बात की है, अगर कोई सड़क पर बंदा भीख मांग रहा है और वो कोई कहे कि अल्लाह के नाम पर दे दो या मेरा बच्चा बीमार है, तो मे बी टॉरिन नहीं दे, बट कैंसेरियन के पास 10 रुपए जब भी होंगे तो वो दे देगा. नो दे आर क्वाइट सिंपथेटिक. जो मेन प्रॉब्लम्स कैंसेरियंस के साथ होती हैं, जो कि डार्कर साइड पे है इनके साथ, दे आर ओवर इमोशनल. ठीक है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, किसी के साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं. देन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि कोई भी इनको जल्दी यूज कर सकता है, तो इसलिए इनको ट्राई करना चाहिए कि इमोशनल ज्यादा ना हो, हर चीज देखभाल के करें. ज्यादा मूडी होते हैं, स्पेशली इनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है कि मूडी आजकल के दौर में होना, क्योंकि जैसे कि जो शाख बेंड नहीं होती वो टूट जाती है, तो मूडी नहीं होना चाहिए और टची नहीं होना चाहिए. ये लोग मूडी और टची होते हैं, तो इनको मूडी और टची नहीं होना चाहिए. इनकी जो हेल्थ कंसर्न्स है, उनका प्रॉब्लम ज्यादातर डाइजेशन में होता है, स्टमक में. इनको जॉइंट पेन ज्यादा रहती है कैंसेरियंस को, तो इनको अवॉइड कर, इनको चाहिए कि एक्सरसाइज ज्यादा करें सो दैट कि अपनी हेल्थ कंसर्न्स दूर कर सके. जो इनकी लाइक्स हैं वो हॉबीज हैं. मतलब इनकी जो भी हॉबीज हैं, कोई भी हॉबी हो, कोई बंदा अगर रेडियो पे इवन की लाइक टू बी आरजे, तो उसकी हॉबी है तो उसको सबसे ज्यादा पसंद होगी. दे लाइक टू बीइंग रोमांटिक विद एनीवन, यू नो, बीइंग फादर मदर एनीवन, यू नो, कैन बी विद स्पाउस. बच्चे उनको छोटे बहुत पसंद है, अपने पेट्रोटिक होते हैं, अपनी होम और अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है. जो चीजें इनको नहीं पसंद वो है अपोजिशन. मतलब वो चाहते हैं कि वो अकेले अकेले सबकी प्रायोरिटी हो, इनकी कोई अपोजिशन नहीं हो. और उनको सबसे बुरा ये लगता है कि
ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. नो, वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ काम करें. एडवाइजेस इनको बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं. सो एडवाइजेस नहीं देनी चाहिए कैंसर्स को. जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी कैंसेरियंस फेस करते हैं, दैट इज दे आर ओवर सेंसिटिव. सो कैंसेरियंस को ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. इस ओवर सेंसिटिविटी की वजह से कैंसेरियंस को कई दफा लोग यूज कर लेते हैं. और इवन कई दफा मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी कैंसर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, तो नो मार्क्स कम आने शुरू होकर वैसे वो रोने शुरू हो जाती क्लास में. सो ओवर सेंसिटिव को कम करनी चाहिए. उनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है, कलर उनको सूट करता है वो सिल्वर है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मून है तो कलर उनका अपने प्लैनेट से भी मैच करता है. और स्टार स्टोन जो है उनको पर्ल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये थे तमाम करेक्टरिस्टिक्स आपकी पहले चार स्टार्स के. अगेन एनी क्वेरीज तो यू कैन ईमेल मी ऑन alirezanemati@gmail.com alirezanemati@gmail.com और आई रिप्लाई यू इंशाल्लाह विद एवरीथिंग यू वॉन्ट टू नो. लिसनर्स, यहाँ मैं अपना प्रोग्राम एंड करता हूँ. नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके साथ नेक्स्ट फोर्स सोडिक साइंस के साथ हाजिर हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.